के अजीम नाम में आप तमाम कलीसिया जो मुझे बीपीसी चैनल पर देख रहे हैं खुदा का खादम होते हुए मैं आप सब के लिए आपकी सलामती और बरकत की दुआ चाहूँगा। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें इस रोहे ज़मीन पर ज़िंदा रखा। और जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं हमारे साथ बहन फरहंदा सलीम हमारे साथ मौजूद है और उसके साथ उनकी बेटी, तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे इबादत है, तो आज ये जो इबादत है हम अपनी पीपीसी चैनल की टीम के साथ हमारी प्यारी बहन शमशाद बीबी जो खुदावंद में सो गई हैं, तो आज उनकी उचलिशमे की इबादत की जा रही है। तो बहन मैं खुदावंद मैं आपको सलाम पेश करता हूं और आपकी सलामती चाहता हूं। तो बहन का एक वक्त आपके साथ गुजरा, तो मैं चाहूंगा कि उनकी ज़िंदगी के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे जो बहन भाई आपको पीपीसी चैनल पर देख रहे हैं। जीसस के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम जी। बाजी शमशाद मेरी बहुत प्यारी और बहुत स्वीट दोस्त थी। आज से 40 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो मैं अपना तर्क करवाऊँ कि मैं बरतानिया में हूँ, मैं बरतानिया की सिटीज़न हूँ, पर हम मैं कहीं भी दूर भी रहती थी और मेरा उनके लिए ऐसा रिश्ता था कि मुझे वो बहुत प्यार। इतना लंबा सफ़र ज़िंदगी का इतनी जल्दी गुजरा हमें पता भी नहीं चला। तो अभी मैं स्पेशल इसी काम के लिए आई हूँ। जनवरी में उनकी डेथ हुई है और वो जीसस में सो गई हैं और उनके लिए प्रेयर करवा रहे हैं। उनकी ये सारी फैमिली, ये बाजी शमशाद की फैमिली नहीं है, ये मेरी फैमिली है और मैं अपनी सारी फैमिली के साथ बच्चे आए हैं और मैं काफ़ी सालों के बाद ईस्टर के लिए भी इधर हूँ। और बाजी बहुत अच्छी थी और सबसे बहुत प्यार करती थी, छोटों से बड़ा। मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में उनसे कि कैसे करना। जी बहन खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप इतनी दूर से आप पाकिस्तान में आए और आप अपनी एक दोस्त के लिए, लेकिन वक्त हर किसी के लिए एक मुकर्रर है, हर किसी ने खुदा के पास जाना है। तो हम बहन के लिए दुआगो हैं और उनकी मौजूदा ज़िंदगी के लिए उन्होंने जितने भी अच्छे काम किए खुदावंद उनको बरकत दे और आज वो खुदावंद में सो गई और उनको जन्नत नसीब अता करे। और हम उनकी फैमिली के लिए दुआगो हैं, उनको तसल्ली देते हैं कि वो इसी तरह अपनी वालदा के लिए और जो है वो दुआ करते रहें। तो आज का जो ये जो सारा प्रोग्राम है, तो आपके दिल में कैसे आया कि मैं उनकी इबादत में उनके दुख में शामिल हूँ? मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ, इंग्लैंड में कहीं भी हूँ मैं कभी उनसे दूर नहीं हुई। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट था कि मैं इस न्यू ईयर पे मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, मैं मुझे फ्रांस जाना पड़ा, तो मेरी इस क्रिसमस मेरे से मिस हुआ, उनसे बात नहीं हुई। तो मैं जन्म आई थी तो उनकी ज़िंदगी में भी था कि हम ये कैसा भी करेंगे, पर वो तो नहीं हो सका। मुझे नहीं पता था कि उनकी जब वो जीसस में सो जाए तो हम ऐसा सबको करेंगे, बुलाएंगे। चलो जी, और खुदावंद आपको बरकत दे। और ये हर किसी के लिए एक वक्त मुकर्रर है कि हर किसी ने एक ना एक दिन जो है वो खुदा के नाम में सो जाना है। ये मेरी बेटी है, इसको भी बहुत प्यार करती थी। मेरा जब मैं बाहर होती थी सारा उन्होंने इसका भी बहुत ख्याल रखा। और अब क्या, आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बाजी का कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तो जी नाजरीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो बहन ने अपनी दोस्त के बारे में ख्यालात पेश किए, तो अभी यहाँ पे हम हमजा टाउन में मौजूद हैं योहन्नाबाद के पास। और अभी जो इबादत होने को है आज की, हम सारी इबादत को देखेंगे, क्वायर से गीत भी सुनेंगे। और आज की इस इबादत में खुदा के खादम खुदावंद का जिंदा कलाम भी पेश करेंगे। तो आए नाजरीन हम अंदर हॉल में जाते हैं और इबादत को देखते हैं और आज का खुदावंद का जिंदा कलाम भी सुनते हैं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मेरी तरफ से सबको सलाम। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज हम इसी कैफियत में कि हमारी बुजुर्गा जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उसके ख़ानदान को तसल्ली देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि जिसने हमें सही सलामत से यहाँ इस ख़ानदान में, इस ख़ानदान को तसल्ली देने के लिए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। और उसके बाद मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ
जितने भी लोग अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए, आपका आपने इस प्रोग्राम की शान को दुबला किया, आपका भी शुक्रगुजार हैं। और स्पेशल शुक्रगुजार हैं आज तारिक शाख्स साहब का, जो कि पीपीसी चैनल से हैं, इस प्रोग्राम को पूरा रिकॉर्ड करने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इससे पहले कि हम अपने इस आबादी माहौल का आबादी प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा हमारे दरमियान नहायत ही काबिल एहतराम डेरा पास्टर रफीक साहब तशरीफ फरमा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा कर यहाँ तशरीफ लाएँ और दुआ में मेरी रहनुमाई करें ताकि इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जा सके। आसमानी बाप, हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं, सजदा शुक्र लाजिम है खुदावंद के हम तुझे करें, क्योंकि खुदावंद जब तुझे पुकारा जाता है, जब सजदों में रवानी आती है तो जिंदगियों में भी रवानी आती है, और वो जिंदगियां जो किसी के बिछड़ जाने के सबब से, किसी के खो जाने के सबब से मुतलाशी होती हैं मोहब्बत की, तसल्ली की, खुदावंद वो तेरी हसूरी के सबब से हासिल होती हैं और खुदावंद रवानी आती चली जाती। हम शुक्र गुजार हैं खुदावंद तेरी बेटी के तेरे पास चले जाने के बाद इस खानदान ने जिस तरह से ईमानदार होने का सबूत फराहम किया और हर बात को उम्मीद के साथ जोड़ दिया खुदावंद, उसका रिजल्ट ये है कि आज मैं शुक्रगुजारी की इबादत कर रहा हूँ। सो मेरे बाप, इस जगह पर जितने खादम हैं, हम सब के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरे रहम को चाहते हैं और चाहते हैं खुदावंद जब इस इबादत का इख्तिताम हो तो लोग खुदावंद तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार और तेरे कलाम के वसीला से जो उम्मीद है उसमें और आगे बढ़ चुके हों और मामूर हो चुके हों। खुदावंद बिजली की रवानी, तेरे बच्चों का परस्तश के लिए खड़े होना, साज बजाना, जमात का जमा होना, सब कुछ खुदावंद तेरी हसूरी में बाइस बरकत लिखा जाए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर रफीक साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि जितनी मेरी आवाज़ अगर जिनके कानों तक पहुंच रही है उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा कर इस बादगाह में तशरीफ़ ले आए। हमारे दरमियान आज प्रस्तश में साथ दे रहे हैं भाई रियाज है, बेटा अबील है और उनके साथ तबले पर काशी भाई हैं, ये प्रस्तश में हमारा साथ देंगे। थोड़ा सा वक्त आपका और इनका साथ रहेगा, फिर जो ही वक्त मिलेगा हम खुदावंद के जिंदा कलाम जो हमारी रूह की गुज़ा है हम तक पहुंचाने के लिए नहायत ही काबिल एहतराम इज़्ज़त मां पास्टर रफीक साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो ही मौका मिलेगा उनसे गुजारिश करेंगे कि खुदावंद का जिंदा कलाम जो हमारी रूह की गुज़ा है हम तक ज़रूर पहुँचाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी, प्रस्तश में हमारा साथ देंगे भाई रियाज और अबील। तू पना मेरी है, हालेलुया। शुक्र करता मैं तेरा ए खुदाया मेरे, तूने जिंदा रखा मुझको, ये दया तेरी है। बसी है जो वो रूह तेरी है, तू वसीला है मेरा, तू बना मेरी है, तू वसीला है मेरा, तू बना मेरी है।
गुजर जाए ये जिंदगी मेरी, तेरे कदमों में गुजर जाए ये जिंदगी मेरी, तुम्हें बची नई जिंदगी ये प्यार तेरी है, तुम्हें बची नई जिंदगी ये दया तेरी, मेरे तन मन में बसी है जो, मेरे तन मन में बसी है जो वो रू तेरी है, तू बसीना है मेरा तू परना मेरी है, तू बसीना है मेरा तू परना हूँ मैं तेरा ए खुदाया मेरे, शुक्र करता हूँ मैं तेरा ए खुदाया मेरे, शुक्र करता हूँ मैं तेरा ए खुदाया के साथ भाई रियाज और बिला अबील अपनी खूबसूरत आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा रहे थे। हमारे दरमियान नहायती काबिल तमाम बाबू सरवर साहब तशरीफ़ फरमाएं, उनका तह दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों को आप लोगों के जहन तक ये बात पहुँचा, आप लोगों तक वही बात पहुँचाता चल रहा कि ये जो आबादी प्रोग्राम आज अरेंज किया गया है, हमारी बुजुर्गा जो इस दुनिया में रहते हुए तकरीबन 62 ईयर उन्होंने हमारे साथ गुजारे, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उनके ख़ानदान को तसल्ली देने के लिए और इस बाती प्रोग्राम का जो एहतमाम किया है, उनकी छोटी बहन फरखंदा सलीम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने आज इस आबादी प्रोग्राम ये जो जिसमें आप बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम का पूरे प्रोग्राम का एहतमाम किया है। आप लोगों का एक बार फिर फरखंदा सलीम की जानब से जिन्होंने आपको मधु किया है उनकी जानब से तमाम लोगों का दिल की थागराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर चलते हैं भाई रियाज और बेटे अबील की तरफ, वो प्रस्तुति में हमारा साथ देंगे। हाल मेरा किन्नू मैं सुनावा दस दे, तेरे बाजों की जे को ले जावा दस दे, तेरे पीछे पीछे यीशु तुरदारा अपने कलाम दिया राम दस, सिर उते रख मेरे चांद सच्चा ते उच्चा तेरा नाम, यीशु हरे दम रहता साडे नाल।
अल्लाह जैसे भी हो वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। मेरे लिए लड़दा हर दम, मेरे नाल चलदा हर दम, मेरिया फिकरां भी करदा ओ, मेरे नाल रहंदा हर दम। यीशु मेरे नाल जंग कदे ना हराना, मेरा डरा विश्वास करा। इससे पहले कि हम दुआ करें, आज का जो वक्त है हमारे पास, हम एक याद में इकट्ठे हुए हैं अपनी इस बहन शमशाद की याद में जो आज हमारे साथ नहीं है। और ये कानून इलाही है कि जो भी इंसान इस ज़मीन पर आता है, एक रोज़ वो अपना ज़मीनी सफ़र ख़त्म करके उस मिट्टी में वापस लौट जाता है। क्योंकि लिखा है कि इंसान की ज़िंदगी के तमाम दिन जो है वो गिने हुए हैं।
और हज़रत दाऊद अपने ज़बूर में फरमाते हैं 70 साल 80 साल पे ओड़क नू मर जाना। सो उन्होंने जो ज़िंदगी ज़मीन पर गुजारी है वो खुदा की रज़ा उसकी मर्जी और उसकी हिकमत के मुताबिक, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें अपने पास ज़िंदगी के बाद वापस बुलाया है। ज़िंदगी तो खुदा की अमानत है और हमें भी उस रोज़ इस मिट्टी में वापस लौट जाना है जिस मिट्टी से खुदा ने हमें बनाया है। लेकिन इस ज़मीन पर रहते हुए शायद हम बहुत दफ़ा बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ हमारे दिलों से निकलता है, सोचते हैं, लेकिन आखिर जो है एंड जो है वो हमारा मिट्टी ही है और मिट्टी ही में लौट रहा है। तो एक शायर कहता है, मिट्टी दा तू ते मिट्टी होना, मिट्टी दा तू ते मिट्टी होना ते फिर कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी दा तू ते मिट्टी होना ते फिर कादी बल्ले बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थले। एक रोज़ हमें उस मिट्टी में वापस लौटना है, क्योंकि खुदावंद ने बड़े साफ और वाज़े अल्फाज में कहा था तो खाक है और खाक में फिर वापस लौट जाए। तो मैं लंबा ना करते हुए आए हम खुदा के हुज़ूर अपने सिरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। ऐ मेहरबान रज़ली बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए। खुदावंद जो खुदावंद तू हमारी इस इंसानी ज़िंदगी को बहाल रखने के लिए हम सबको अता करता है, ये तेरा प्यार, तेरी मेहरबानी, तेरी बख्शिश है कि तू हमें सलामती देता है। और ऐ खुदावंद जब हमारे इस ज़मीन पर वो दिन पूरे हो जाते हैं तो तू ही हमें अपनी रज़ा, अपनी मर्जी और अपनी हिकमत से अपने पास वापस बुला लेता है। देने और लेने का अख्तियार तेरे ही पास है, तो ही इंसान को ज़िंदगी और सांसें देकर इस ज़मीन पर भेजता है और तू ही अपनी रज़ा के मुताबिक उसे अपने पास वापस बुला लेता है। ये सब तेरा इलाही इंतज़ाम है खुदावंद, कि जो भी इंसान आया है उसे एक रोज़ तेरे पास वापस लौटता है, क्योंकि ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी के तमाम दिन गिने हुए हैं। और ऐ खुदावंद तूने आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर हर एक काम के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है और तू अपने वक्त पर अपने कामों को पूरा करता है, क्योंकि ऐ खुदावंद हमारी सोचें, हमारे ख्यालात तेरे नहीं बल्कि खुदावंद तेरे ख्यालात तो अफलाक से बुलंदर है और हमारे ख्याल तो तेरे ख्यालों को छू भी नहीं सकते। ऐ खुदावंद, लेकिन आज हमारा ईमान, तवक्कल और भरोसा है कि वो हमारी बहन जो कुछ जिस्मानी तौर पर आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारा ईमान है कि वो तेरे पास है और तेरी बादशाह में जिंदा है, क्योंकि खुदावंद ने बड़े साफ और वाज़े अल्फाज में कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाए अगरचे वो मर जाए तो भी ज़िंदा है, और जो कुछ ज़िंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। तेरी मौत ने इंसान के लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया और आज हम मसीहों के लिए मौत मौत नहीं बल्कि ज़िंदगी का आगाज़ है, क्योंकि जब तक हम इस मौत से नहीं गुज़रते उस वक्त तक हमेशा की ज़िंदगी का वो सफ़र शुरू नहीं होता। ऐ मेहरबान बाप, हम जानते हैं हमारा ईमान है, तेरा कलाम हमें तसल्ली देता है कि जो हमसे बिछड़ गए हैं, मौत के सबब हमसे जुदा हो गए हैं, रोज़े मैशर को हम उन्हें एक रोज़ फिर देखेंगे और उनके साथ मिलकर हम हमेशा की खुशी हासिल करेंगे। मेहरबान खुदावंद, हम अपनी इस बहन के लिए दुआ करते हैं कि तू अपने चेहरे का नूर चमका, उन्हें सलामती और दैमी हयात अता फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। एक बार फिर हम इस इबादत में आगे बढ़ते हुए प्रस्तुति में भाई रियाज से गुजारिश करेंगे, प्रस्तुति में हमारा साथ दें, और अबील भाई हैं, अबील भाई प्रस्तुति में हमारा साथ देंगे, और मैं आप लोगों को ये भी
आप लोगों तक बात बताते चलूँ कि हमारे दरमियान जो हमारी बुजुर्गा इस वक्त नहीं हैं उनके लिए बहुत सारे अजीज़ो कारब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और कुछ ना कुछ दो दो तीन तीन मिनट का हम उनका ज़हर ख्याल भी करेंगे। उनके लिए बातें तो बहुत सारी हैं जिसमें भाई सैमसन है, भाई नन्ना भाई यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं, ज़्यादा नन्ने के लोग से ज़्यादा लोग जानते हैं, तो वो भी आएंगे और उनके बाद जो ही मौका मिलेगा हम एक एक दो दो मिनट के लिए उनका ज़हर ख्याल भी सुनेंगे, फिर खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो हमारे रूह की गज़ा हम तक पहुँचाने के लिए आज खुदा के खादम यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं वो भी खुदावंद का ज़िंदा कलाम भी हम तक पहुँचेगा, लेकिन इस वक्त बेटा बील जो है वो प्रस्तुति में हमारा साथ देगा। रब्बा तेनू मनावा हो या मैं तो खतावा
हाथ अपना मदा दे माफ कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे हाथ अपना मदा दे पाक कर दे माफ कर दे दिल साफ कर दे हाथ अपना बढ़ा के मैं माफ़ कर दे। इस गीत के साथ बेटा बील अपनी खूबसूरत आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा रहा था। आपको एक बार फिर हम गुजारिश करेंगे कि हम इसने प्रोग्राम को आबादी प्रोग्राम को आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे बुजुर्गा जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में इतना बोलना चाह रहे हैं कि शायद बोलते बोलते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, अल्फाज नहीं है कि वो बयान कर सकें, क्योंकि वो एक जो हमारी बुजुर्गा हमारे दरमियान मौजूद नहीं थी। जितने साल जितने महीने उन्होंने यहाँ इस दुनिया में रहते हुए गुजारे, सबके साथ उनका कैसा बर्ताव था, कैसा सलूक था, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान एक ख़ास उनके बेटे भाई मुनव्वर यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा कर भाई मुनव्वर यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारी बुजुर्गा जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है उनके बारे में थोड़ा सा कुछ हज़ारे ख्याल के लिए करें। आप सबों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं शमशाद यानी हमेशा शाद रहने वाली खुश तबीयत खुश अखलाक और हाथ को हमेशा मुट्ठी बंद करके जेब में खोलने वाली के बारे में मैं कुछ बयान कर सकूं। कलामे मुकद्दस में क्या बहुत अच्छी बात लिखी है कि क्या खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खुदावंद की निजात का इंतज़ार करे। सचमुच खाला शमशाद हर वक्त खुदावंद में मगन रहने वाली शाद रहने वाली और जितनी भी उनकी बहनें हैं भाई थे उनके बेटियां बेटे थे सबको हमेशा शाद रखती खुश रखती। और मेरे ख़्याल में हम जितने भी कज़न हैं आपस में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उनके हाथ से मुस्तफीद ना हुआ हो। उन्होंने अपने बहनों तक किसी को परेशान नहीं होने दिया और उनके बारे अगर बोलना चाहें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत लंबी बात हो सकती है, क्योंकि हम बचपन में थे, जब से आंख खोली हमने उनको बड़ी ही शफ़क़त वाली एक माँ पाया। हमारी माएँ तो हमें पालने वाली हैं लेकिन हमें कामयाबी की तरफ गामजन करने वाली हमारी खाला शमशाद ही है। और क्योंकि हम कलाम के ताबे हैं खुदा की मर्ज़ी के ताबे रहते हैं और हम जानते हैं कि मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है और एक ईमानदार के लिए मौत ग्रां कदर तोहफा है।
और आज जो फिर से इबादत हो रही है ये शुक्रगुजारी की इबादत है, ये किसी अफसोस के लिए इबादत नहीं है कि हम उनके लिए अफसोस करें। अफसोस मसीहियों के लिए नहीं होता, इसलिए क्योंकि हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया। और जब तक हम ज़मीन पर जिंदा हैं हम अपने लिए भी सोचें और इस दौड़ में इस तरह दौड़ें कि हम उस ताज को हासिल करने के हकदार ठहरें। अगर हम में कुछ झूठ है, कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिसकी वजह से खुदा हमसे दूर है, मोहब्बत नहीं करता, हम किसी को माफ़ नहीं करते, तो आज वक्त है कि हम इस मौका पर हम एक दूसरे को माफ़ करके खुदा की हुजूरी में आगे बढ़ें। जैसा मेरी खाला शमशाद करती थी, वो किसी से नाराज़ नहीं रहती थी, वो किसी से नाराज़ होती तो वो चाहती थी कि मैं खुदा के कलाम के मुताबिक कि सूर्य ढलने से पहले उसे सुलह करूं। और उसकी जो आदत है वो हम नहीं भूल सकते। अगर उसने खाने पीने की चीज़ कोई शुरू करनी है तो 10 बार उसने बर्तन को धोना है, और इसी तरह अपने आप को उसने बहुत साफ़ सुथरा रखा। और इंसान होते हुए ये तो सबकी ख्वाहिश है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी खुराक खाऊं, साफ़ सुथरा बर्तन हो, बिस्तर साफ हो, लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं ख़त्म होती। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी बड़ा साफ़ सुथरा रखा, और उन्होंने उनसे हमने ये सीखा है कि फ़याज दिल कैसे होना है, किस तरह फ़याज़ी से खुदावंद के लिए काम करना है। हम सब बड़े ही शुक्रगुजार हैं अपनी खाला के लिए कि उसके लिए खुदा के खादम जब भी हमारा ख़ानदान उन्हें मदऊ करता है तो वो आते हैं, और हमारी तसल्ली के लिए खुदावंद के कलाम में से हमारी आबियारी करते हैं। तो मैं इस मौका पर खुदा के खादमों का भी शुक्र अदा करूँगा कि वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा खुदा हमें तन्हा नहीं छोड़ता। उसने अपने बंदों को इधर मुकर्रर किया है ताकि वो भी खुदा के मजाज के मुताबिक काम करें, क्योंकि कलाम में लिखा है वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यसू का भी था। तो मैं इसी के साथ आज की अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा क्योंकि टाइम कम है और प्रोग्राम अभी बाकी है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई मुनव्वर। इस वक्त हमारे दरमियान हमारी बुजुर्गा जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है उसके बारे में ज़ाहिर ख्याल कर रहे थे। इसी तरह हमारे दरमियान भाई सैमसन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा कर यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन भाई सैमसन थोड़ी सी छोटी बात करना ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम अपना जो आज का खुदावंद का ज़िंदा कलाम है जो हम तक पहुँचाने के लिए हमारे पास्टर साहबान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ हम तक पहुँचाए। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जिस हस्ती के बारे में यहाँ बोलने के लिए मुझे मदऊ किया गया है उसके किरदार के बारे में कहना वाकई हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक ऐसी अनमोल हस्ती थी जिसमें रूहे खुदा बसती थी। वो अपने किरदार से ये शो करती थी कि वो खानदानों की सरबराह थी। उसने इसमें कोई शक नहीं, हमारे ख़ानदान में या हमारे जो नानके हैं उनमें वो ऐसी खातून थी कि जिसने औरत होने के नाते पे अपने 5-4 बहनों और 2 भाइयों के ख़ानदानों को एक ऐसे शजर की तरह समेटा हुआ था कि सब के सब उसमें समाते थे। और इसमें कोई शक नहीं कि हम पूरा ख़ानदान उनकी ज़ात में बोलने पे आ जाए तो शायद बहुत कम है। जो उनका किरदार था, जो उनकी रहनुमाई थी, वो एक शफीक थी। इसमें कोई शक नहीं हमारे पैदा करने वाली माँ कोई और थी, लेकिन हमें पालने वाली और रहने
जिस हस्ती के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं इसमें कोई शक नहीं, वो हमें इस स्टेज तक लाने में उसका बड़ा किरदार है कि आज हम हिम्मत में उन्होंने हमें एक ऐसी हिम्मत दी है कि हमारी ख्वातीन जो घरों में रहती थी उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इल्म की दौलत हर किसी के पास होगी, हिकमत की दौलत हर किसी के पास होगी, लेकिन जो मेहनत और मोहब्बत की दौलत उनके पास थी वो शायद किसी और के पास नहीं हो। वो अपनी ज़ात में खुद ही थी और उसके अलावा और कुछ नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे ख़ानदान में उसके बाद शमशाद जैसी हस्ती, हमारी खाला जैसी हस्ती शायद ही सदियों में कोई एक होगी। उनके बारे में यहाँ पर रहकर पाकिस्तान में ना सिर्फ हम सब को ये बताया कि थोड़े में कितनी बरकत होती है और थोड़े में खुश रहा कैसे जाता है, ये उन्होंने हमें बताया। आज हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में, इरादों में बहुत प्लान हो गए, लेकिन अगर मेहनत के बलबूते पर अगर किसी को देखना है तो वो उसको देखेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने थोड़े में रहकर अपने ख़ानदान को किस तरह समेटा है। कोई तालीम नहीं थी लेकिन हिम्मत और मेहनत में वो अपनी मसाल आती। खाला शमशाद हमारी ज़िंदगी में स्पेशल हमारे ख़ानदान के लिए उस वक्त एक रहनुमाई के तौर पर खुदा की तरफ से एक इस तरह से वो साबित कदम हमारे साथ खड़ी हुई जब हमें अपने घर के लिए ज़मीन को बचाने के लिए उनकी रहनुमाई की बहुत ज़रूरत थी। और उसमें कोई शक नहीं हमारे प्लॉट को बचाने में, हमारी जगह को बचाने में उस दौर में जब उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर रहनुमाई की, हम तो सारी उम्र उनके एहसानमंद हैं, हमारा पूरा ख़ानदान उनका एहसानमंद है जो उस वक्त उन्होंने खड़े होकर किया और बेलौस किया। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमसे वो कर्ज़ मांगा हो, ये उनकी पदराना मोहब्बत है जो वो हमसे करती थी, क्योंकि वो शफीक थी और वो किसी एक के साथ नहीं सबके साथ भलाई करती थी, सबके दुख बोलती थी, सबके साथ वो खुश रहती थी। इसके साथ साथ ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जितने लोग वो जानते हैं उनको, जिन जिन के साथ उनका तल्लक था, आपको वो आज बताएंगे कि वो कैसी थी और कैसी उनकी मोहब्बत में वो अपने आप को लेकर यहाँ पर आए हैं। आज लोग उनके लिए ना सिर्फ दिल खोलते हैं बल्कि अपनी जेब को भी खोलते हैं, ये उनकी शफकत और मोहब्बत की बदौलत है। किसी ने किसी को यहाँ पर लेकर नहीं लेके आया, ये उनकी मोहब्बत है कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। खुदा उनको जिस मुकाम पे लेके गया यह है हमारा ईमान है कि हमने भी एक दिन उसके पास ले जाना है और ये हमारी उम्मीद है कि जब वो अपने वक्त में दोबारा मसीह यसु में क़यामत में खड़ी होंगी तो हम सब भी उसके नाम से जाने पहचाने जाएंगे, क्योंकि वो हमारे ख़ानदान की वाज सरबराती। खुदा उनको हमेशा सलामत रखे। शमशाद से बढ़कर और कोई नहीं था और उस जैसी कोई और नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी देखे जाना है, ये देखिए। सॉरी, ओके, आप इधर ही जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई सैमसन। इस वक्त इजहार ख्याल तो कर रहे थे लेकिन उनकी बात में कैसे वो अपनी बात से आगे पीछे हो रहे थे, उनसे बात कह नहीं पा रहे थे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहना था। तो वाकई वो जो बुजुर्गा इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत बहुत सारे लोगों के साथ, हर ख़ानदान के साथ बहुत ही, मैं तो बस इतना ही ज़रूर कहूँगा कि वो पता नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब कहते हैं किसी का वालदा या किसी का बाप है, किसी का बेटा जब इस दुनिया में चला जाता है तो हर कोई कहता है कि इसको नहीं जाना चाहिए था। तो मैं बस यही ज़रूर कहूँगा कि यूँ तन्हा तू क्यों हमें एक पल में छोड़ गई, यूँ तन्हा तू क्यों हमें एक पल में छोड़ गई, हर खास आम नज़र तुझे ढूंढेगी, तलू तो होगा तेरे भिन कल का सूरज मगर हर ढलती हुई शाम तुझे ढूंढेगी, हर वो शाम जो आएगी उसके बच्चे, उसकी बहनें, उसके बहनों के बच्चे, उसके भाई के बच्चे, उसके भाई के बच्चों के बच्चे हर शाम उसको ढूंढते हैं। कोई दादी कहकर और कोई नानी कहकर, कोई फूफो कहकर, कोई बहन कहकर, कोई माँ कहकर जब पुकारता था तो दिल को बहुत तसल्ली होती थी। आइए, हम हमारे दरमियान भाई रोबन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। लेकिन हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आज हम अपनी बुजुर्गा की शुक्रगुजारी की इबादत कर रहे हैं कि वो खुदावन की गोद में है। आइए, मैं अपनी आँखों को बंद करें और खुदावन से अपने आप को आज उस कलाम के लिए तैयार करें, क्योंकि हमारा खुदा जो अल्फा और अबेगा है वो आज हमारे दरमियान मौजूद है अपने खादम के वसीला से, और आज हमारा खुदा अपने खादम के वसीला से हमारे साथ बात करना चाहता है। वो तसल्ली, वो इत्मीनान और गहरे तौर पर हमें देना चाहता है
जिसका उसने हमसे वादा किया है कि दुनिया के तमाम रिश्ते तुमसे अलग हो जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें हर वक्त अपनी गोद में उठाए रखूंगा। आज हम उस खुदा से और गहरी रहनुमाई और तसल्ली और इत्मीनान को मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आसमानी बाप, आज की शाम हम शुक्रगुजार हैं इस पंडाल के लिए जहां पर आपके लोग जमा हैं आज आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, और आपके बंदा पास्टर रफीक जोसेफ के लिए हम और गहरी रहनुमाई को मांगते हैं, हिकमत और दनाई की रूह को मांगते हैं, ताकि आज आपका बंदा आपके कलाम को दिलेरी के साथ यहाँ पर बयान करे और सुनने वाले कान और कबूल करने वाले दिल आज इस कलाम को ले और अपनी ज़िंदगी को इस कलाम के मुताबिक संवारें और ज़िंदगी गुजारने वाले हों। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। हमारे जो काबिल एहतराम जनाब आज के इज़्ज़तमाब पास्टर रफीक साहब से जो खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ हम तक पहुंचाने को है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा किसी इंसान के लिए नहीं, खुदा के ज़िंदा कलाम के लिए आप भरपूर तालियां बजाएं। आप मैं गुजारिश करूंगा पास्टर रफीक साहब से कि खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ हम तक पहुँचाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे और अजीम नाम में आप तमाम जो हाज़रीन हैं सलाम अर्ज़ करते हैं। काफ़ी देर से आप बैठे हुए हैं, आइए हम थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पर खड़े हों। हालेलुया। और इस बात को यकीनी बनाएं कि खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान है, आमीन। आप यकीनन आज तसल्ली और इत्मीनान के लिए यहाँ मौजूद हैं, आमीन। और अगर मैं और आप सिर्फ रस्मन आए हैं तो आइए उन रस्मी बातों को निकालें और आज खुदावंद से मांगें कि खुदा तो आज आप और मेरी ज़िंदगी में काम कर, मेरी ज़िंदगी में कलाम कर, ताकि आज मैं भरपूर होकर रुख सकूँ, आमीन। आइए अपने हाथ खोलें। तू जोर हमारा है, फतहा का नारा है, हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, तेरी पाक हजूरी में हम एक खुदावंद आज इत्मीनान लेने आए हैं। आज खुदा तेरी हजूरी से तसल्ली को रिसीव करने आए हैं। खुदावंद आज हम रस्मी इबादत में नहीं बैठे हैं, खुदावंद
और ऐसी सारी डिस्टर्बेंस की रूह जो एक खुदावंद हमें रोकती है कलाम को अपने अंदर उतारने से, हम मिन्नत करते हैं कि तेरी कुदरत यहाँ ठहर जाए और हर किस्म की परेशान करने वाली रूहें यीशु के नाम से इस जगह से जाती रहे खुदा, और इस जगह पर तेरा जलाल कसरत के साथ काम करना शुरू करे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो आयत हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे वो यूहन्ना 5 और उसकी 28 आयत है। कम टाइम है लेकिन हम कोशिश करेंगे अपना मुद्दा आप तक बयान कर सकें ताकि हम यहाँ से बरकत लेके जाएं। ताकि कलाम में लिखा है, इससे ताज्जुब ना कर क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। खुदा आप कलाम के इस हिस्से के पढ़े और सुने जाने पे अपनी बरकत नाज़िल फरमाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई बहनों, बेशुमार इस दुनिया में आलिम फाजिल नबी पैगंबर रसूल तशरीफ़ लाए, अपना काम दुनिया की स्टेज पे अपना किरदार मुकम्मल किया और फिर इस जहां फ़ानी से ऐसा कूच किया उन्होंने कि कुछ देर तारीख के अवराक पर उनके काम, उनका नाम जो है, उन घरानों का नाम लिया जाता रहा, लेकिन एक वक्त आया जब वो नाम हमेशा हमेशा के लिए वक्त की गर्द में पहले धुंधला हुआ और फिर ख़त्म होता चला गया। लेकिन इस दुनिया में आज से हजारों साल पहले एक ऐसी हस्ती ने बगैर बाप के और रोहुल कुस की कुदरत से जन्म लिया कि जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा उस वक्त के हिसाब से ऐसा महफूज हो गया, बल्कि यहां तक लिख दिया गया कि अगर सारी बातों को किताब में शामिल करने की कोशिश की जाती तो इस दुनिया पर उस किताब को रखने की जगह बाकी ना रहती। लेकिन जिस बात पे आज मैं आपका इशारा, आपको जिस जानिब मैं लेके जाना चाह रहा हूं, वो बड़ी कीमती पुरफजल और हमारे लिए बेशबहा खजाना है, और वो ये है कि उसके मानने वाले, उस किताब पर ईमान रखने वाले आज इस बात से वाकिफ हैं कि दुनिया का हर शख्स कब्र की नजर हुआ, मट्टी ने उसे दबा लिया, लेकिन जिसकी परस्तिश आप करते हैं, जिसको आप मानने वाले हैं, ना कब्र ना मट्टी उसको रोक सकी, बल्कि वो जिंदा होके अपने बाप के पास मौजूद है और मेरी और आपकी शफात के लिए उस दिन अपने बाप के सामने बोलेगा, आमेन। और यही ईमानदारों के लिए एक जरूरी बात है। याद रखिए, जिंदगी जिस कदर बगैर गारंटी के है, जिंदगी जिस कदर हम समझते हैं कि कोई इसका भरोसा नहीं है, हम आम जुबान में भी इन लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिए जितना जिंदगी का भरोसा नहीं उतनी ही मौत अटल है, उतना ही मौत यकीनी है। और बाइबल मुकद्दस हमें इस बात के हवाले से बड़ा वाज़े करती है, आमीन। याद रखिए, जो मौत है वो जिंदगी की दूसरी हद है। जिंदगी की क्या है जी? दूसरी हद है।
और जिंदगी की पहली हद क्या है? पुदाइश। जिंदगी की पहली हद क्या है? पुदाइश। और दूसरी हद क्या है? दूसरी हद क्या है जी? मौत। और इस पुदाइश और इस मौत के दरमियान जो जिंदगी है वो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी अहम है, क्योंकि यही जिंदगी मेरी अबदी हलाकत और अबदी जिंदगी के हवाले से फैसला करने के लिए खुदा के तख्त के सामने जाएगी। और बाइबल मुकद्दस एक बड़ी खूबसूरत बात बताती है, और वो ये है कि उन लोगों को बड़ा मुबारक कहा गया है जिसमें हमारी बुजुर्गा भी शामिल हैं, जो अपनी उम्र के अयाम को खूबसूरत तरीके से मुकम्मल करते हुए लंबी उम्र को हासिल करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है अय्यूब 5 बाब में, तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा जैसे अनाज के पूले अपने वक्त पर जमा किए जाते हैं। और याद रखिए, बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि जिस तरह हमारी बुजुर्गा इस जहां पानी से कूच कर गई, इसी तरह मैंने और आपने भी अपने वक्त पे इस जहां से जाना है। और कोई चीज़ ना रुपया पैसा, ना असरो रसूख, ना कोई अथॉरिटी और ना कोई और चीज़ हमें रोक सकेगी, बल्कि अपने वक्त पे हमने वहाँ पर पहुँचना है। अब बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखें रोमियो 5वां बाब और 6वां बाब और ख़ास तौर से 5वें बाब में अगर आप देखें तो इसमें कुछ ऐसे हवाला जात आपको मिलेंगे जिसमें पौलुस रसूल बाकायदा मौत के हवाले से जिक्र करता हुआ नज़र आता है। और आदम और हवा की जो नाफरमानी की वजह से जो मौत इस रूए ज़मीन पर नाजिल हुई और उसका मुकाबला हालेलुया वो जिंदगी से करता है, और यीशु मसीह के वसीला से आज मुझे आपको जो जिंदगी जो है वो हासिल है। लिहाजा मसीह होते हुए आज हमें ये बात समझ लेनी है, ईमान ले आना है कि मौत गुनाह के सबब से आई, लेकिन रूहानी मौत याद रखिए जो इस रूए ज़मीन पर आई इसका इतलाक भी उन लोगों पे होता चला गया जो नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारते चले गए। सो आज इस ईस्टर के वक्त में बड़ा खूबसूरत वक्त अगर हम कहें चुना गया कि लोग सिर्फ बुजुर्गा के हवाले से ना सीखें बल्कि यीशु मसीह के हवाले से भी इस बात को समझें कि अगर एक शख्स की नाफरमानी के सबब से मौत इस दुनिया पर आई तो एक शख्स ही की फरमाबरदारी से जिंदगी ने भी इस दुनिया में अपने कदम जमाए। और आज हम ना सिर्फ हमारी बुजुर्गा बल्कि वो सब जो हमसे जुदा हुए, एक दिन आएगा जिस तरह हवाला आपके सामने पढ़ा गया कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुन के क्या करेंगे? निकल आएंगे। दानियल की किताब में लिखा है कुछ हयात अबदी के लिए और कुछ जिल्लत अबदी के लिए। और यहाँ पर जो हवाला आपको आपके सामने पढ़ा गया यूहन्ना की इंजील में, उसमें लिखा है कुछ नेकी के लिए और कुछ सजा की क़यामत के लिए। आज जिंदगी रखते हुए मुझे और आपको अपने लिए कुछ असूल मुरतब करना पड़ेंगे। ये मौत जो हमारी बुजुर्गा के की जिंदगी में आई, मैंने और आप हम सब ने इस दरवाजे में से गुजरना है, कोई रह नहीं जाएगा, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे असूल ज़रूर मुरतब करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे लॉ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाने पड़ेंगे ताकि हम जिस्मानी मौत का तो शिकार हों लेकिन अबदी हलाकत का शिकार ना हों।
अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मौत जो है वो गुनाह की क्या है, मजदूरी है। गुनाह की सजा जो है वो मौत है, लेकिन अगर आप इसकी जड़ देखें तो ये आपको पुदाइश की किताब में ले जाएगी, जहां पर हम देखते हैं आदम और हवा नाफरमानी करते हुए, गुनाह करते हुए खुदा की हजूरी से अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मुख्तसर बात, क्योंकि टाइम हमारे पास 10-15 मिनट थे, तो हम देखते हैं कि एक सजा तजवीज की गई उस गुनाह के हवाले से, और हम देखते हैं कि उस सजा का इतलाक इस रुए जमीन पर हर आने वाले उस शख्स पर होता चला गया जो मां के बदन से पैदा होता चला गया। लेकिन याद रखिए, कलाम ये बताता है कि मौत खौफ पैदा करती है और जिंदगी दिलेरी देती है आपको। एक मसीही होते हुए आज मैं या आप इस खौफ को, जो मौत का खौफ है, उसको लिए हुए बैठे हुए हैं, या हम जिंदगी के मालिक को मान चुके हैं और इस मौत को अपने सामने हम दलेरी के साथ मुकाबले के तौर पे पेश करते हैं। यकीनन हमारा जवाब एक ही है कि मसीही होते हुए, यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए, मैं आज इस मौत से नहीं घबराता, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि यीशु के वसीला से मौत फतह का लुकमा बन गई है। आमीन। और यही आज हमारी उम्मीद है, यही आज एक मसीही की पहचान है। लेकिन भाई बहनों, आज इस बात को याद रखिए, उसने अपना काम सलीब पर मुकम्मल करके कहा, तमाम हुआ। लेकिन क्या इस रुए जमीन पर मैंने आने के मकसद को, जो खुदा का था, क्या उसको पूरा कर लिया है? यकीनन हम, यही जवाब होगा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम तैयारी में हैं। लेकिन याद रखिए, मौत, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन जिंदगी जो है उसके बारे में भी गैर यकीनी सूरत हाल है। मौत के हवाले से हम ये जानते हैं कि उसे हर हाल में, लेकिन कब हमारी जिंदगी को लेना है, इसलिए आज हमें अपनी तैयारी को जल्द मुकम्मल करना है, ताकि जब हम बाप के सामने पहुँचें तो हम भी कह सकें, खुदावन तमाम हुआ, वो काम जो आपने मेरे सपोर्ट किए थे मैंने उनको मुकम्मल कर लिया। तो जब ऐसा होगा तो याद रखिए, बाप कहेगा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से कि इन्हें ऐसी जगह ले जाया जाए जहां खूबसूरत खूबसूरती है, जहां पर आंसू नहीं है, जहां पर कह कहे हैं, जहां पर वो सब कुछ है जो एक इंसान अपनी आरजू रखता है। लेकिन अगर आज आपकी तैयारी मुकम्मल ना हुई, तो फिर याद रखिए एक और भी जगह तैयार है, जब वो फरिश्तों को कहेगा कि इनको ले जाओ और वहाँ फेंक दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। खुदावंद आपको बरकत दे, शुक्रिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, मैं तेरा खादम होता हुआ तेरे पास आता हूँ। खुदावंद, जो टाइम तूने हमें आज दिया कि हम तेरे कलाम मुकद्दस में से सीख सकें, तो खुदावंद एक निकम्मा खादम होने के नाते, खुदा जो कोशिश की गई कि उन बातों को जो तेरी तरफ से हैं तेरे लोगों तक पहुंचा दिया जाए, सो खुदावन जो कुछ आज बयान किया गया है, हम चाहते हैं कि इनके दिलों की धरती पर, इनकी ज़मीन पर ए खुदा ये कलाम काम करना शुरू करे। और खुदावन हम इस कलाम को बढ़ता हुआ और खुदा फलदार देखें, ताकि ये औरों को सिखा के खुदावन और रूहों को भी तेरे करीब लाने का सबब बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे बाप की आखिरी दुआ करें। मैं चाहूँगा कि इस पूरे इबादत का प्रोग्राम जिसने अरेंज किया हुआ है, जो हमारी बुजुर्गा हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उसके लिए जो इस इबादत का आज एहतमाम किया हुआ है,
वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा फरखंदा सलीम से, हमारे तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगी और थोड़ा सा वो अपने बारे में और शमशाद के बारे में भी बताएंगी, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा। और उनके साथ साथ एक और ही बहुत सारे उनके चाहने वाली मिसेज इकबाल यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा फरखंदा सलीम से कि वो यहाँ आए और इजहार ख्याल करें और आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगी। और इसके बाद मैं भाई साहब से गुजारिश करूँगा कि आए हमारी बात की दुआ में हमारी रहनमाई करेंगे। जीसस के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की। मैं मिसेस इकबाल को दावत देती हूँ कि वो भी आए मेरे साथ खड़ी हूँ। कि बाजी शमशाद कुछ भी ऐसा होता था तो वो उनको ही कहती थी कि आए, आज वो नहीं है वो आए तो फिर हम कहने को तो शमशाद की दोस्त है, लेकिन इसमें कभी फ़र्क नहीं आया शमशाद और छोटी जो जीनत है, ये सब एक थे। तो आज हमें वो तो नहीं है लेकिन हम सब एक हैं, उसकी यादें हमारे पास बहुत ज़्यादा, बहुत सरमाया है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि हमें भी खुदा वो तफीक दे, हम उसके नक्शे कदम पर चल सकें। तो जे रुखसाना ने बहुत तमाम किया, जिस दिन डेथ हुई है इसने उसी दिन मुझे बोला कि मैंने ये करना है तो ज़रूर तुसी सारे ने पहुँचना है। तो ये सारे क्या कह सकते हैं, आगे कुछ नहीं। बाजी शमशाद के लिए मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। हमजा टाउन में मेरा आने का मकसद बाजी शमशाद ही थी जो मुझे हमजा टाउन में लेकर आई, और ये बाजी का प्यार ही था कि मैं इतने सालों के बाद फिर इसी हमजा टाउन में आई हूँ वापस। और मेरा और बाजी शमशाद का नाम हमेशा हमजा टाउन के साथ जुड़ा रहेगा। और मैं आपको अब बताना चाहती हूँ कि आज से 40 साल पहले मैं बाजी से मिली थी और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में अकेले सफ़र किया था फैसलाबाद के लिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे जाना है। बाजी ने पूरी ज़िंदगी मेरा बहुत साथ दिया, ज़िंदगी में बहुत गम और खुशियां भी मिली, बाजी मेरे साथ खड़ी रहीं। ऐसा भी वक्त आता था कि मेरे पास किसी दिन 10 रुपये भी मेरी पॉकेट में नहीं होते थे, तब भी मेरी बाजी वैसी थी और हमेशा मैंने उनकी आंखों में वैसे ही प्यार देखा और चाहत देखी। तो जब मैं इंग्लैंड जाना था तो बाजी को मैंने बताया, मुझे कहती हैं जाना और कभी डरना नहीं है और कभी हिम्मत मत हारना और अपनी ब्रिटिश पासपोर्ट लेके आना। आज मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ और सिर्फ उसमें भी बाजी का ही साथ मेरे साथ था, वो हमेशा मेरे साथ हैं। आज ये फैमिली, ये बाजी शमशाद की फैमिली नहीं है, ये मेरी फैमिली है। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। आसमानी बाप, हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं और ये सारी खुराक जो खुदा तेरे लोगों के लिए तैयार की गई है, हम इसके एक एक ज़र्रे, एक एक लुकमे पर और एक एक कतरे पर बरे के लहू को मांगते हैं। इस खुराक को अपने लोगों के लिए मुफीद बनाना और जहाँ से ये निकला है उनको बड़ी बरकत देना खुदावंद। और खुदावंद जितने आए हैं इन सबको तसल्ली और इत्मीनान में अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजारने का फजल बख्शना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत आप सब पर, आपके घरानों पर और इस गमजदा ख़ानदान पर हमेशा हमेशा तक इसी तरह होती है, आमीन।
हाथ विच ही तेरी अजमत है मावा पुत्रा नाल ही सोनिया लगदिया ने दिया पान वैन करीता जगदिया ने है अम्मा तेनू रो रो अखियां लभदिया ने अम्मा तेनू Bye.